तुम्हारी उम्र में ना हम 20-20 लोगों का खाना अकेले बना लिया करते थे, और तुमसे जो एक कप बेटा हम चाय बनाने को कह दें तो एक घंटा तो पहले तुमसे बहस करी जाए, तब जाकर तुम उठोगी, किचन में जाओगी और पता नहीं कौन तरह की चाय बनाकर ले आओगी, और फिर उससे नाम दोगी ग्रीन टी, ब्लैक टी, व्हाइट टी। ऐसे ही बाल सफेद नहीं करे हैं मैंने, सब समझ में आता है मुझे। सीख लो, थोड़ा काम सीख लो, खाना बनाना नहीं तो कम से कम थोड़ी तमीज ही सीख लो कि माल लगी पड़ी है किचन में, तो कुछ नहीं तो हम झूठे मुंह ही जाकर पूछ लें कि कोई मदद चाहिए काम करने में या नहीं। बेटा ये मैगी शैगी से कुछ नहीं होगा, असली खाना होता है दाल रोटी सब्जी। तुम्हें मैंने रोटी बनाने के लिए कहा था, ये इंडिया का नक्शा थोड़ी। ससुराल में जाकर नाक कटवाओगी बिल्कुल। पति के दिल का रास्ता पेट से होकर निकलता है, ये इंडिया के मैप से होकर नहीं, जो इंडिया में चक्कर लगा रही हो तुम बेटा, रास्ता भटक गई हो। कल को ससुराल जाओगी, ये मैगी चाउमीन कोई नहीं खाएगा, वहाँ पूरा खाना बनाना पड़ेगा दाल रोटी सब्जी। नहीं बना पाओगी तो माँ को ताने पड़ेंगे कि माँ ने कुछ सिखाया नहीं। अब उन्हें कौन बताए कि माँ सिखाए कैसे, बाहर से फास्ट फूड चढ़कर आ जाएंगी और घर पे फिर पड़ जाएंगी महारानी की तरह। खाना कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है, क्या बन रहा है, कोई मतलब ही नहीं है काम से। करो बेटा जो मन करे अभी वो करो, अभी माँ है ना झेलने के लिए, करो।